सरकार शहर की विकास को रफ्तार दे रही है और रफ्तार के चलते शहर में मेट्रो का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं मेट्रो के काम को अंडरग्राउंड तरीके से किया जा रहा है, जिसके चलते शहर में बड़ा हादसा हो गया। 4 मंजिला इमारत पल भर में ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गई। ये तस्वीर आप गौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 4 मंजिला इमारत पल भर में धराशाही हो गया और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आसपास के तमाम मकानों में दरारें आ गई, क्योंकि मेट्रो का जो काम है वो अंडरग्राउंड तरीके से किया जा रहा है और रेल के इस काम से तमाम घर यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, मकान ढह गया है। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि ना तो उस वक्त यहाँ से कोई गुजर रहा था और ना ही इस मकान में कोई रुका हुआ था, जिसके चलते किसी की जान माल का खतरा नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। और अब यहाँ पर तस्वीरें बद से बदतर हैं, क्योंकि लगातार जो मकान है जो धराशाही हुआ है वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, जो थोड़ा बहुत उसका अंश बचा है वो यहाँ पर तोड़ने का काम चल रहा है। मेट्रो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है और मेट्रो के लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, हर तरफ धुंध छाई है और मकान बिल्कुल जैसे जिस तरीके से रेत पर कोई इमारत बनी होती है उसी तरीके से ये मकान धराशाही हो गया। तमाम परिवार इस मकान के ढहने और अगल बगल जो लोग रहते हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। उन तमाम लोगों को होटलों में रुकवाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप तस्वीरें देख लीजिए। हम उन सब से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हादसा किस तरीके से हुआ। रजत भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हादसा किस तरीके से हुआ। जी, मेरा नाम रजत वाजपेयी है, मैं पार्षद हूँ हरबंस मोहाल का। 11 तारीख को लमसम इस घर में एक होल हो गया था, एक गड्ढा जिसमें एक लड़का था शंभू, जो उसमें करीबन 15 फीट गड्ढे में गिर गया अंदर। क्षेत्रीय लोगों ने उसको निकाला, निकालने के बाद हम लोगों ने मेट्रो को इस बात की सूचना दी जो मेट्रो के अधिकारी थे, और मौके पर विधायक अमिताभ वाजपेयी और मैं स्वयं आया, मेट्रो के अधिकारियों को बुलाया उस गड्ढे को फिल करने के लिए। इन लोगों ने 4 बजे गड्ढा हुआ, 10 बजे मेट्रो ने उस गड्ढे को फिल करने के लिए कार्य शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी परसों अचानक जो है बारिश शुरू हुई, 10 बजे बारिश शुरू हुई। यहाँ पर मेरे पास पब्लिक का फ़ोन आया, मैं मौके पर आया तो एक दीवार डिसलोकेट हो गई थी। उस दीवार के डिसलोकेट होने के जैसे ही मैंने देखा, मैंने मेट्रो अधिकारी को फ़ोन करके तुरंत मौके पर बुलाया, पर वो नहीं आया। फिर क्षेत्रीय लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। धरना देने के 5 घंटे बाद मेट्रो और शासन प्रशासन सब जागे, वहाँ के लोग आए। वहाँ के लोग आने के बाद लोगों को यहाँ 12 मकानों को तुरंत जो है इन लोगों ने इमरजेंसी और रेड जोन घोषित करते हुए 12 मकान खाली कराए। ये उसके बाद एक मकान इन लोगों ने आज खाली कराया है। तब से ये लगातार ग्राउटिंग कर रहे हैं मशीनों द्वारा, आप देख रहे होंगे अभी कार्य इनका चल रहा है। आज हो गए हैं 5-6 दिन ये ग्राउटिंग कर रहे हैं। इनको अभी कारण नहीं पता चल पाया कि अंदर है क्या, लेकिन लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक लोगों को घर से निकाल देने की वजह से ना तो लोगों के पास कपड़े बचे हैं, ना लत्ते हैं, ना गृहस्थी कुछ सामान, सब इस मलबे में दब गया है, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा और सब रोड पर आ गए। तो देखिए, रोड पर लोग आने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जो मलबा सामने पड़ा है, इस मलबे में तमाम परिवारों की जो गृहस्थी है वो जमींदोज हो गई है। यहाँ पर पूरे जो लोग लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, हालांकि बताया जा रहा है लगभग 100 साल से ऊपर यहाँ पर लोग रह रहे थे, इस मकान में किराए पर लोग रह रहे थे, लेकिन फिलहाल मकान की अवस्था को देखते हुए उन्हें मकान खाली करा लिया गया था। उसके बाद ये मकान धराशायी हुआ, लेकिन किस तरीके से मेट्रो का काम चल रहा था, उस मेट्रो के काम से मकान प्रभावित हुए और ऐसे 12 मकानों को इस क्षेत्र में चिन्हित किया गया है जो इस मेट्रो के काम से उन मकानों में दरारें आ गई हैं और दरारों से वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं। और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेंगे। हालांकि जिन मकानों में लोग रहते थे वो लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात कर लें। ये बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम अशोक मिश्रा। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कदम करीब 50 साल हो गए। तो मकान कैसे गिर गया? गिर गया अपने आप, तो नीचे पूला भया, उसके बाद बदवा गया। अपने हम लोग यही कपड़ा लत्ता पहने जो है हो गई। तो अब कहाँ रह रहे हैं? क्या सड़क पे ही हैं? होटल में हैं, मेट्रो ने होटल ले लिया है, मगर वहाँ कोई खाने की व्यवस्था सही नहीं है। वहाँ होटल में किसने ठहराया है? यही मेट्रो वालों ने। मेट्रो वालों ने देखिए, मेट्रो वालों ने हालांकि कुछ लोगों की रुकने की व्यवस्था करी, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो बद से बदतर हैं। और भी कुछ लोग हैं, उन लोग नहीं है, कोई व्यवस्था सही नहीं है।
खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं सही है, रुकने की हालांकि इंतजाम किया गया, लेकिन जो बता रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर क्या नाम है आपका? भगवती सिंह। भगवती सिंह, आप उस मकान में रहते थे, अब वो मकान धराशाही हो गया है, तो अब व्यवस्थाएं कैसे हैं? सर कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग के पास केवल एक जोड़ी कपड़े हैं, वही पहन के 5 दिन से घूम रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने की है, मेट्रोलों ने, मगर हमने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे 3 दिन पढ़ते हैं और कोई भी साधन नहीं है कि जिससे कि मेरे, क्योंकि मेरे बच्चों की किताब कापी सब कुछ, मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, क्योंकि सबसे पहले हिस्सा मेरा ही गिरा था। सबसे पहला हिस्सा आपका ही गिरा। अच्छा, कितने मकान और प्रभावित हुए हैं यहाँ पर? सर आगे दो मकान, मेरे मकान से 2 मकान उधर और 2 मकान इधर हैं, मगर ये पूरे घोषित कर दिए गए कि सब पूरे मकान डैमेज है। मेट्रो प्रशासन की तरफ से मकान बनाए भी जाएंगे, बनाने की बात कही गई, तो उसके बाद तो आप रहेंगे? सर मेट्रो अगर मकान बना के देगा, कोई हम लोगों को सजेशन चाहिए, पूरा सजेशन चाहिए कि जितना हमारे पास जगह है, जितना मेरे पास था, उतना मुझे बना कर दें बस। तो क्या पजेशन लेने में कोई समस्या है? पजेशन लेने में समस्या है भाई, मकान मालिक अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो दिक्कत होगी ना। तो एक बड़ी देखिए समस्या भी है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे थे वो लोगों के लिए समस्या सबसे बिकट हो गई है, क्योंकि मकान धराशाही हो चुका है और लोग घर से बेघर हो चुके हैं। अब ये मकान भले ही रेलवे प्रशासन, जो रेल बोर्ड है, मेट्रो रेल बोर्ड है, वो बनाने की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि जो किराएदार इसमें रहते थे, क्या उन्हें ये पजेशन मिल पाएगा? और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर ये बताइए कि पूरा मकान ध्वस्त हो गया, कई मकान जर्जर अवस्था में भी आ गए हैं, क्या लगता है कि कैसे ये स्थितियां बन रही हैं? देखिए ऐसा है कि इसका कारण पूरी तरीके से मेट्रो है। ये जो मकान 62/75 यहाँ गिरा हुआ पड़ा हुआ है, इसमें रहने वाले बासिंदे जो है पिछले 1 महीने से मेट्रो के अधिकारियों से बराबर संपर्क में थे, व्हाट्सएप पे भी उनको कई शिकायतें की गई, मोबाइल के जरिए भी कई शिकायतें की गई, लेकिन मेट्रो अधिकारियों ने उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया। मेट्रो जो है हमारे घंटाघर में सुतर खाने से लेकर और माल लोड तक पूरी यूएल और डीएल गई है। जब इनकी जो डाउन लाइन का सर्वे हुआ है, इस मेट्रो के अधिकारियों ने जो पिछली डाउन लाइन का जो सर्वे किया है, उस सर्वे में कहीं पर भी इन्होंने ग्राउंडिंग नहीं करी नीचे मकानों के, जबकि इसमें मैक्सिमम मकान जो है वो पुराने थे, पुरानी अवस्था में थे। अगर नियम की अगर हम बात करें तो जो अंडरग्राउंड काम चलता है मेट्रो का, उसमें क्या नियम होने चाहिए, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए? ऐसा है कि मेट्रो के अधिकारियों ने, ऐसा नहीं है कि सर्वे नहीं किया, मेट्रो के अधिकारियों ने अपनी बड़ी बड़ी मॉडर्न मशीनों के साथ सारे मकानों का सुतर खाने से लेकर माल लोड तक सर्वे किया, लेकिन उन मकानों में सर्वे के बाद भी जैसे मेट्रो अधिकारी प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पर जो है कुआं है, तो ये बताइए इनके पास अपनी मशीनें थी जो ये बता सकती थी इसमें कुआं है कि खाई है, लेकिन उन सारी रिपोर्टों को नज़रअंदाज कर इन जर्जर मकानों को इन्होंने जो है ग्रीन जोन घोषित कर दिया, और आज सिर्फ अपने बचाव के लिए आसपास के कई मजबूत मकानों को भी जर्जर घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ पे बासिंदे बेघर हो गए हैं, वो बासिंदे जो है जिला प्रशासन और मेट्रो की आपसी लड़ाई में पिस जाए और किसी को भी कोई आवास न मिले। ये बेचारे जो ये मकान गिरा, इसमें करीब 30-35 किराएदार थे, आज ये सड़क पे हैं, बेघर हैं, पिछले 7 दिनों से इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, और मेट्रो प्रशासन हर तरीके से लिपा पोती कर रहा है, कोई जिला प्रशासन भी जिम्मेदारी डाल रहा है, कोई किसी भी जिम्मेदारी डाल रहा है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला इस समय मौके पे कोई नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो मकान गिर गए हैं, उन मकानों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अधिकारी एक दूसरे के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और भी परिवार के लोग हैं जो इस गिरे हुए मकान के शिकार हुए हैं। माता जी क्या नाम है? हमारा उषा। कब से रह रही हैं आप? हम बहुत साल से, हमारा लड़का नहीं पैदा हुआ, उषा कई साल से पैदा है। अब कैसे रहेंगी जब मकान गिर गया? अब सारा सामान दब गया है और यहाँ होटल में मतलब रुके हैं। खाने पीने क्या व्यवस्था? अरे कुछ नहीं है। तो देखिए खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, और जो कपड़े ये पहने थे ये वही कपड़े उन दिनों से पहने हैं, क्योंकि सारा घर का जो आशियाना था वो कहीं ना कहीं निस्तनाबूत हो गया है। तस्वीरें देख लीजिए, एक तरीके से हम आपको और भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जमीनों में ये गड्ढे आप देख सकते हैं, ये गड्ढे उस मेट्रो के काम से हुए हैं, जो अंदर ही अंदर इस सड़क को उसने डैमेज कर दिया है, जर्जर कर दिया है, चिटकने लगी थी यहाँ से जमीनें, उसके बाद अब मेट्रो प्रशासन की ओर से इन जमीनों में सीमेंट भरी जा रही है कि कहीं ना कहीं मजबूती बनी रहे। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर आए, खुद महापौर यहां पर आए, महापौर ने भी आश्वासन दिया है कि जो
मकान धराशायी हुए हैं उसमें मेट्रो प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि मकान के नीचे जो अंडरग्राउंड काम मेट्रो बोर्ड के लोग कर रहे थे उस काम को लेकर पहले इत्तला की जानी चाहिए थी, लोगों को मकान खाली कराने की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, उसके बाद ही काम शुरू किया जाना चाहिए था, जो कि एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।